हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हमारी आज की रेसिपी है केले की सब्ज़ी। मैंने कच्चे केले लिए हैं, मैंने आधा किलो के लगभग कच्चे केले लिए हैं। मैंने इन्हें धो कर के साफ़ कर लिया है। हम इसकी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाएंगे। देखते हैं हमें मसालों में किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पर मैंने बारीक कटा हुआ धनिया लिया है, अदरक लिया है इसे मैंने बारीक काट लिया है, बारीक कटा हुआ प्याज, एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, जीरा, टमाटर की प्यूरी, हींग, काली मिर्च पाउडर, बेसन, ऑनियन गार्लिक पेस्ट। हम पहले केले को छील करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। इस तरीके से हम केले को छील लेंगे, इसके छिलके निकाल करके अलग कर लेंगे। अब हमने पतले पतले टुकड़ों में काटना है इस तरीके से। अब हम इसके पतले स्लाइसेस कर लेंगे। ये हमारे केले कट करके तैयार हो चुके हैं। हमने सारे केलों को काट करके रख लिया है। अब हम इस पे मसाले डाल लेते हैं। काली मिर्च पाउडर, हींग, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, बेसन। यहाँ मैंने 2 चम्मच के लगभग बेसन डाला है। हमें बहुत ज़्यादा बेसन नहीं डालना है, हमें इसका पतला घोल ही तैयार करना है जिससे मसाले केले के ऊपर चिपक जाएं अच्छे से, मसाले अंदर तक उसके घुल जाएं। ये देखिए इस तरीके से हमें पतला घोल बनाना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा घोल नहीं बनाना है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, ऐसे ही रख देते हैं और कढ़ाई में तेल गरम कर लेते हैं। हमारा कढ़ाई में तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें केलों को डीप फ्राई कर लेते हैं। इस तरीके से हमें इसमें सारे बनाना के पीसेस डाल देने हैं और इन्हें अच्छे से डीप फ्राई कर लेना है। हमारा तेल बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे बनाना सारे डीप फ्राई हो चुके हैं। अब इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। हमें इस तरीके से सारे बनाना को फ्राई कर लिया है, ये अच्छे से सिक चुके हैं। अब हम कढ़ाही में ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। मैंने कढ़ाही को गैस पे रख दिया है और 1 बड़े चम्मच के लगभग ऑयल डाल दिया है। आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर जीरा डाला है, थोड़ा सा और जीरा डालेंगे। हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। जीरे से अच्छे से चटकने की आवाज़ आने लगी है, इसका मतलब जीरा अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें अदरक डालेंगे। हमने अदरक के जो बारीक पीस करके रखे थे, हम वो अदरक इसमें डाल लेते हैं। उसे भी अच्छे से लाल होने तक भून लेते हैं। अच्छे से भुना हुआ अदरक, उसका सब्ज़ी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। जब भी अदरक आप सब्ज़ी में डालें तो उसको अच्छे से भून लें। हरी मिर्च को भी हम तेल में अच्छे से भून लेते हैं। हरी मिर्च अच्छे से भुन चुकी है। अब हम इसमें ऑनियन डालेंगे और इसे भी गुलाबी होने तक अच्छे से भून लेते हैं। हमारी प्याज लगभग भून करके तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें मसाले ऐड कर लेते हैं। हम इसमें पिसे हुए मसाले ऐड कर लेते हैं। धनिया पाउडर 1 चम्मच के लगभग, लाल मिर्च पाउडर 2 चम्मच, आधी चम्मच गरम मसाला, हल्दी पाउडर आधी चम्मच के लगभग, काली मिर्च थोड़ी सी। अब हम सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेते हैं। हमारे मसाले अच्छे से भून चुके हैं। अब हम इनमें ऑनियन गार्लिक का पेस्ट ऐड करते हैं। यहाँ मैंने 2 चम्मच ऑनियन गार्लिक पेस्ट डाला है और इन्हें भी अच्छे से
सूखने तक भून लेते हैं, जब तक कि मसाले तेल ना छोड़ने लगे। हमारा मसाला भुन गया है, मैंने इसमें टमाटर का प्यूरी डाल दिया है और इसे भी अच्छे से पानी सूखने तक भून लेना है। जब तक कि टमाटर का पानी सूख ना जाए हमें तब तक इसे चलाते हुए भूनना है। हमारा प्यूरी भी भून करके तैयार हो चुका है। इस तरीके से भुना हुआ टमाटर बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है सब्ज़ी में। यहाँ पर मैंने आधे ग्लास के लगभग पानी डाला है, हम थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड करेंगे। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप पानी थोड़ा ज़्यादा डालिए और कम चाहिए तो कम डालिए। नमक स्वाद अनुसार हम इन्हें भी मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें फ्राई किए हुए केले डाल देते हैं। हमारे केले पहले से ही पके हुए हैं इसलिए हमें इसे ज़्यादा देर तक पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी देर तक उबाल आने तक हम इन्हें पका लेंगे। मैंने इसे ढक कर के रख दिया है मीडियम फ्लेम पर। हमारे केले अच्छे से पकने लगे हैं, हमें बीच बीच में इसे चलाते रहना है। अब मैं इसमें हरा धनिया डालूंगी। सब्ज़ी में पकते समय थोड़ा सा हरा धनिया हम डाल देते हैं, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। पूरी सब्ज़ी में धनिया का फ्लेवर ग्रेवी में मिक्स हो जाता है और उसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। अब हम इसे ढक करके थोड़ी देर के लिए और पकने के लिए छोड़ देते हैं। हमारी सब्ज़ी पक करके तैयार हो चुकी है, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनी है केले की। इस तरीके से बने हुए केले बहुत ही टेस्टी लगते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अब हम सब्ज़ी को सर्विंग बाउल में सर्व कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारी केले की सब्ज़ी खाने के लिए तैयार हो चुकी है। अब हम इसे बर्तन में निकाल लेते हैं और हरे धनिए से गार्निश कर देते हैं। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बन करके तैयार हुई है। हम इसे हरा धनिया डाल देते हैं। आप इसे रोटी से खा सकते हैं, राइस से खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी है। जितनी देखने में अच्छी लग रही है और खाने में इसका टेस्ट उससे ही ज़्यादा बेहतरीन है, ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।